स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश वीक ट्वेंटी एट क्लास फोर्थ की वर्कशीट ग्रामर आज हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए होमोफोन्स होमोफोन्स आर वर्ड दैट हैव सेम साउंड एज अनादर वर्ड बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग तो देखिए बच्चों होमोफोन्स क्या होते हैं जिनके मीनिंग और स्पेलिंग अलग होती है लेकिन उनके प्रनंशिएशन के जो साउंड होते हैं वो सेम होते हैं जैसे आई थिंक देर आर सम्पल्स इन द बास्केट मुझे लगा कि कुछ एप्पल हैं बास्केट में आई थिंक द सम ऑफ दिज एप्पल इस टैन दूसरा सम का मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे मुझे लगा कि ये सभी एप्पल्स का जो सम है इन्हें हम गिनेंगे तो ये कितने होंगे टेन पेपर बैग्स आर इको फ्रेंडली एंड सेफ पेपर बैग्स जो हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं ठीक है माय वॉइस विल इको इन द हॉल और इधर इको का मतलब है मेरी आवाज़ गूंजेगी तो देखिए बच्चों प्रनाउंसिएशन इनका सेम है साउंड सेम है ठीक है लेकिन इनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है तो इसे हम होमोफोस बोलते हैं तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन ब्लैंक्स देयर इज अ डैश इन माय पॉकेट मेरी पॉकेट में एक होल है यानी छेद है मुस्कान डैश अ प्राइज इन द बैडमिंटन कंपटीशन मुस्कान ने बैडमिंटन कंपटीशन में प्राइज जीता हु वॉन्ट द रेस द टोटॉइज और द हेयर बच्चों एक हेयर होता है बाल एक हेयर होता है

और एक आंट चीटी तो मेरी आंट जो है वो टीचर है इसलिए मुझे भी टीचर बनना है सनी ईट्स हिज पॉरीज इन अ लार्ज बॉल सनी ने बड़ी कटोरी में पॉरीज यानी खिचड़ी खाई एक बॉल होती है गेंद ठीक है मैच द करेक्ट होमोफोन्स अब बच्चों देखिए इधर हमें करेक्ट होमोफोन्स को मैच करना है मेल सेम साउंड है हीयर पीस एंड सी बाय फोर फोर बी एंड सेल नेक्स्ट है बच्चों अंडरलाइन द होमोफोन्स इन द गिवन सेंटेंसेस अब बच्चों इन्हें हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें हमें होमोफोन्स को अंडरलाइन करना है फर्स्ट वेयर शुड आई वेयर माई न्यू ड्रेस मैं अपनी नई ड्रेस कहाँ पहनूँ तो यहाँ वेयर बिट्टू आज मी इफ़ ही कैन कम टू माई हाउस टू बिट्टू ने मुझसे पूछा क्या वो भी मेरे घर पे आ सकता है तो टू और टू आई हैव टू टिकट्स टू दी जू मेरे पास दो टिकट्स है जू के वी कॉन्ट से वेदर द वैदर विल बी ड्राई और रेनी हम नहीं कह सकते कुछ भी कि वेदर मौसम कैसा रहेगा ड्राई या रेनी हु इज़ द ओनर ऑफ दिस शॉप कैन यू टेल मी हुज शॉप इज दिस इस दुकान का ओनर कौन है हुज़ ठीक है क्या तुम मुझे बता सकते हो दे हैव पुट देयर बैग अंडर द ट्री देयर उन्होंने अपने बैग उस पेड़ के नीचे रख दिए आई नो वी हैव नो मनी लेफ्ट आई नो वी हैव नो मनी लेफ्ट मुझे पता है हमारे पास अब पैसे नहीं बचे शी थ्रू द रैपर ऑफ हर चॉकलेट ऑफ शी थ्रू द रैपर ऑफ चॉकलेट का रैपर उसने हटा दिया आई हैव सीन दिस फनी सीन इन द मूवी मैंने ये फनी सीन देखा है मूवी में आई राइट विद माई राइट हैंड एक राइट right, मीन्स uh, लिखना एक राइट right मीन्स सीधा हाथ मैं अपने सीधे हाथ से लिखता हूँ ठीक है नेक्स्ट बच्चों होमोनीय्स आर द वर्ड्स हैविंग सेम साउंड सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स अब बच्चों होमोनीय्स क्या होते हैं देखिए जिन्हें सेम साउंड सेम स्पेलिंग होते हैं लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं लाइक रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड यूज़ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द मीनिंग फर्स्ट पीपल ऑफ चाइना यूज टू ईट बैट जो चाइना के लोग हैं वो क्या खाते हैं बैट यानी चमका आई प्ले क्रिकेट विद अ बैट और मैं बैट से क्रिकेट खेलता हूँ टर्न लेफ्ट अब देखिए बच्चों यहाँ पे वर्ड एक ही है लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है टर्न लेफ्ट टू गो टू द एग्ज़ामिनेशन हॉल एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए तुम टर्न लेफ्ट लो रमन लेफ्ट हिज एप्पल रमन ने अपना एप्पल छोड़ दिया फिट माई फिट आर पेनिंग मेरे फिट पेन कर रहे हैं हिज फादर इज सिक्स फिट टॉल और उसके फादर सिक्स फिट टॉल हैं नेक्स्ट काइंड शी इज अ काइंड लेडी ठीक है वॉट काइंड ऑफ पर्सन यू आर तुम किस तरह के पर्सन हो वॉच यानी देखना आई विल वॉच अ फिल्म मैं मूवी देखूंगा इट इज टेन ओ क्लॉक इन माई वॉच मेरी घड़ी में दस बज रहे हैं ठीक है बच्चों तो इस तरह से आप सभी को ये कंप्लीट करना है नेक्स्ट है अंडरलाइन द होमोनियम्स द टीचर आज पिंकू टू टीयर अ पेज फ्रॉम हिज डायरी एंड राइट द लेटर ही हैड अ टीयर इन हिज हिजायल इन आइज वाइल राइटिंग तो देखिए बच्चों पिंकू की टीचर ने उसे एक पेज फाड़ने को बोला ठीक है डायरी से और उसे लेटर लिखने को कहा ठीक है यहाँ टीयर मीन्स हुआ फाड़ना ही हैड अ टीयर इन हिज हिजाइल वाइल्ड राइटिंग और उसकी आंखों में आंसू था जब वो रो रहा जब वो लिख रहा था द लीडर लीड्स द वे पेंसिल हैज़ लीड इन साइड इट लीडर लीड्स करता है और पेंसिल के अंदर लीड होती है आई सिट इन फ्रंट रो ऑफ माई classroom. मैं मेरे क्लास रूम के फ्रंट रो में बैठता हूँ वी कैन रो अ बोट इन water विद अ paddle. द पेशेंट इज़ फीलिंग फाइन नाउ पेशेंट अब सही फील कर रहा है इफ़ समन लीटर्स द हॉस्पिटल ही विल हैव टू पे द फाइन और अगर कोई हॉस्पिटल में लीटर करता है तो उससे उसके लिए फ़ाइन देना पड़ेगा वी हैव अ पार्क बिसाइड आर हाउस हमारे हाउस के बगल में पार्क है इट इज़ नॉट अलाउड टू पार्क अ कार देअर और बच्चों पार्क में कार पार्क करना अलाउ नहीं है नेक्स्ट बच्चों ड्रॉ एंड कलर फाइव फ्रूट्स वी ईट इन विंटर सीजन अब बच्चों विंटर सीजन आप सभी को पता है कि विंटर सीजन आ चुका है विंटर सीजन में आप कौन कौन सा फ्रूट्स खाते हैं तो बच्चों आप सभी को यहाँ बताना है तो यहाँ पे आप उसका पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे और उनके नेम लिखेंगे और उसमें कलर करेंगे एप्पल ऑरेंज स्ट्रॉबेरी ग्रेप्स एंड गुआवा तो इन सब का पिक्चर बना करके और इसमें आप कलर भी करेंगे तो इस तरह से आप सभी अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएँ कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स